हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आज मैं ब्लॉग बनाने वाला था अपनी गाड़ी का, तो हमारे भाई बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश के हैं, आए हैं सऊदीया से। इससे मैं और हमारे ये बांग्लादेश भाई, क्या नासिर, ये हमारे भाई हैं, ठीक है, ये सऊदीया से आए हैं, कतर से आया, बाद में सऊदी जाएगा। हाँ, पहले हम लोग साथ में आए कतर में, 1-1.5 महीना रहे, फिर ये चले गए सऊदीया। सऊदीया चले गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इधर, इसीलिए वो चले गए, ठीक है। वहाँ से कितने महीने बाद आ रहे हो यहाँ पे भाई? 8 महीने। आठ महीने के बाद आ रहे हैं यहाँ पे। सैलरी कितना है आपका? 1000। 1000 1000 वहाँ से कितना पैसा लगा का है बांग्लादेश से? 13 लाख। हाँ, टोटल टोटल खर्चा कितना लगा आपका? थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए। टोटल 2 लाख। टोटल 2 लाख टाका? टाका बताइए। 2 लाख टाका। 2 लाख टाका। जो भी बांग्लादेश से भाई आ रहा है वो सुन लीजिए कि सैलरी कितना है इनका? 1000। पैसे कितना लगा का है? 2 लाख रुपये। टोटल 2 लाख लगा है? 2 लाख। 2 लाख रुपये लगा है। मैं आया था तो मेरे जाने पहचानने वाले ने भेजा दिया था, तो मुश्किल से मेरा ज़्यादा तो नहीं 30-40 हज़ार रुपये तक लगा हो। अगर टोटल खर्चा मिलाया जाए इंडिया से लेकर QVC सेंटर से सारा मिला के, तो मुश्किल से मेरा 40 से 45 हज़ार रुपये तक लगा है, और ये भाई का लगा है पूरा 1.5 लाख टका। वीज़ा किसने दिया था आपको? मेरा मामा का भाई है। मामा का भाई? भाई मामा का चेले। हाँ, मामा का चेले है या मामा का भाई बोलिए, ये उनको दिया था वीज़ा। तो खैर भाई, बांग्लादेश से पैसा बहुत लगता है, तो मैं जो नहीं मालूम था ये बंदा, हम लोग साथ ही आए थे फर्स्ट टाइम, ये भी नहीं आया था, ये भी तो हम लोग साथ आए हैं। यहाँ से ये 1.5 महीने बाद ये सऊदी चले गए, और इधर मैं ड्राइवरी काम करने, काम किस काम के लिए आए थे यहाँ पे राशिद? किस किस काम का वीजा था आपका? ड्राइविंग। ड्राइवरिंग का? बांग्लादेश गाड़ी चलाए थे? यहाँ कैसा लगा गाड़ी यहाँ चलाए? अच्छा लगा। गाड़ी कभी चलाया, कभी दिया कपिल चलाने को? सऊदी गए थे, गाड़ी दिया सऊदी में, गाड़ी दिया। कतर में नहीं दिया, मेरे सामने कभी नहीं दिया, कतर में नहीं दिया। अच्छा, देखिए भाई बस यही है, बस ढाका से इनका बांग्लादेश किधर से है? सिलेट। सिलेट, सिलेट किधर? फेंसीगंज। अब हमको तो नहीं पता है फेंसीगंज, जो बांग्लादेश से देख रहा है उनको पता होगा। फेंसीगंज। फेंसिंग गोइंग। चलिए भाई, 10 महीने बाद आए हैं, तो मैं जब चले गए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिनों तक मैं रूम में अकेला बोर हो गया था। जब ये थे 1.5 महीने तक पता ही नहीं चला, 1.5 महीने बाद चले गए तो फिर 1-1.5 महीना थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसके बाद आदत पड़ गया, अब अकेले हैं। तो 2 दिन हो गया इनको आए हुए, तो मैं सोचा यार इनको भी ब्लॉग में ले लिया जाए। और चलिए आज का ब्लॉग जो है मैं दिखाता हूँ अपनी गाड़ी का, स्टार्ट करते हैं। और इनको इसलिए दिखाना था कि हमारे साथ में आए थे, हमारे साथ के रहे 1 महीना, फिर सऊदी चले गए। सऊदी से इनका वीज़ा इनका कतर का है, सही है राशिद? इनका ना वीज़ा जो है कतर का है ना? कतर का वीज़ा, इनको विजिट वीज़ा पे ले गया था सऊदिया। गए हुए कितने महीना हो गया आपको? 8 महीने। 8 महीने। इधर कितने साथ हैं? हमारे ख्याल से 1-1.5 महीना थे यहाँ पे। 1.5 महीना। 1.5 महीना हम लोग साथ ही में आए, 1.5 महीना या हम लोग साथ में था, 1.5 महीना बाद ये चला गया, तो अभी पूरे 8 महीने बाद आ रहे हो। 8 महीने बाद आ रहा है। चलिए अभी ये तो मेरे अपने पड़ोसी को मिला दिया, अब चलते हैं अपनी गाड़ी को दिखाते हैं अंदर बाहर से, गाड़ी कौन सा है कौन सा चलाते हैं, उसके बाद आपसे। पहले मैं, ये टोयोटा का लैंड क्रूजर है, इसका अंदर और बाहर का दिखाते हैं क्या क्या है। ये सऊदी का गाड़ी है, मेरा कपिल का ही है, पर आता जाता कतर से यही इसी गाड़ी से है, जब भी सऊदी जाना होता है तो यही लेके जाएगा। अभी इसके अंदर का दिखाता हूँ क्या है। ये बीच का गेट है और ये आगे का गेट है। तीन सीट जो है बीच में है, 2 सीट जो है आगे है। पीछे भी 2 है, 7 सीटर है। व्हाइट गाड़ी अच्छा लगता है,
देखने में भी और ज़्यादा गंदा भी नहीं दिखता है, थोड़ा साफ कर दो तो साफ लिखता है। ये आगे का है फ्रंट का, अंदर का ये फर्स्ट में स्टेयरिंग है। इंडिया के जैसा स्टेयरिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पे बाएं साइड में होता है, इंडिया में राइट साइड में होता है। ये हैंड ब्रेक है और ये आपका लीवर है। ये पी से पार्किंग हो गया, आर से रिवर्स हो गया, एन से न्यूट्रल, यानी डी से आप डायरेक्ट इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसमें गियर भी है, तीनों से कम कर सकते हैं। आप पार्किंग में लगा दीजिए तो गाड़ी हिलेगा डोलेगा नहीं। ये डिस्प्ले है, ये आपका ये मीटर का व्यू है जिसमें 240 इसका रेंज है इसका। और यहाँ पे आपका चालू इसका नहीं किया हूँ, लैंड क्रूजर का चालू करके दिखाता आपको एक्सेस का। ये है अंदर का पूरा व्यू, और लैंड क्रूजर है और ये हुआ लेक्सस। दोनों का, ये दोनों गाड़ी का पोजीशन सेम है। दोनों गाड़ी कतर में बहुत देखी जाती है। नीचे लाइट भी लगा दिया, ये सऊदी में रहता है ना, मजरा साइड में, हमेशा सऊदी में रहता है, इसलिए नीचे लाइट लगा दिया रंग बिरंग का। इस गाड़ी से यहाँ कतर में लोग नहीं घूमता है, ये जब सऊदी जाना होता तब ये घूमता रहता है। बाकी ये पीछे का है, आप बटन है खोली ऊपर उठ जाएगा। ये पीछे का आपको दोनों कुर्सी है, आप पीछे का जो है ना सीट आप गिरा सकते हैं, साइड में बगल में जगह भी मिल जाता है, काफ़ी लगेज रख सकते हैं, जगह काफ़ी पीछे जगह भी दे रखा है। और उसे पीछे बहुत कम ही लोग यहाँ कतर में बैठता है, पीछे तो कभी मैंने देखा ही नहीं किसी को बैठे हुए, ये हमेशा ऐसे उठा ही रहता है, सामान वामान लाना हो रखना हो दोनों चीज़ यहीं रखा रहता है। दो सीट पीछे, तीन सीट बीच में और दो सीट आगे। टोटल 7 सीटर है। और वो इसका नीचे का जो है ना, नीचे अच्छा किया कि प्लास्टिक लगा दिया, क्योंकि उधर बकरे वगैरह का काम करता है मजरा साइड में, तो लाना जाना होता है, इसलिए दो एक बार डाल दो साफ हो जाता है, इसलिए नीचे प्लास्टिक लेमिनेशन करा कर रखा है समझिए नीचे। ये बाहें राइट साइड का गेट है, ये वही बीच का 3 सीट है, आगे सेम टू सेम सब कुछ है इसका। ये हमारा रूम है, आप लोगों ने हमारी दूसरी वीडियो पर देख ही लिया होगा। और ये लेक्सस जो है था नहीं, अभी आया है, तो इसको भी दिखाते हैं आपको। सऊदी का लैंड क्रूजर दिखा दिया हूँ, अब चलते हैं लेक्सस दिखाने आपको अंदर का क्या क्या है। ये हमारा लेक्सस का गाड़ी है, ये लाल रंग का कवर लगा रखा कि बच्चे गंदे नहीं करेंगे, लेकिन इसके नीचे खूबसूरत सा सीट है इसके। देखिए मैं हटा रहा हूँ ना कोने पे, तो कितना खूबसूरत है, बस बच्चे गंदे ना करें इसलिए ये ऊपर से कवर लगा रखा है, जो कि यह 3-4 महीने में चेंज हो जाता है। पर काला लाना था, पता नहीं काला नहीं मिला, इसलिए ये जो मिला उठा के कपिल खुद ही लगा लिया। हाँ, ये आप अंदर का देख रहे हैं, सेम लैंड क्रूजर जैसा ये भी है। आगे का 2 सीट है, पीछे का 3 सीट है, पीछे भी 2 है, बीच का ये आगे का 2 सीट, बीच का 3 सीट। आगे आइए, यहाँ भी लिखा हुआ है मॉडल कितना है, 2015 लिखा है इस पर, देख सकते हैं 2015 5वें महीने का है ये। पूरी डिटेल भी लिखा रहता है इस पर,
यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी का मॉडल पता करें। ये अंदर का है, ये स्टीयरिंग है, सेल्फ स्टार्ट, ये भी है सेम लैंड क्रूजर जैसा। ये नीचे पैर दबाइए, यहाँ से सेल्फ, जब तक पैर नहीं दबाइएगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। ये पैर दबाया, नीचे कितना है देखा तो बस दो है, क्या है इसमें, एक स्लेटर है और एक ब्रेक है, वो बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है पैर रखने वाला, ये अगर ये पैर रखने के लिए है, बस दो ही है इसमें। क्लच गियर जो दिया है, दोनों क्लच गियर दोनों वही है जिसमें ब्रेक रखा हूँ, ब्रेक और क्लच। स्लेटर बगल में है और आपका ये इस कल वो है आपका ऑटोमेटिक गियर लीवर। आप यहाँ से प्ले स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये नीचे पैर दबाया, यहाँ पे पैर हटा लूँगा ना, यहाँ देखिए लाल हो जाएगा, लाल हो गया ना, जैसे वहाँ से पैर हटा लिया, या पैर रखते ही यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, देख सकते हैं ग्रीन हो गया है, जैसे पैर हटाऊँगा लाल हो जाएगा। चलिए पैर रखते हैं, ये दबाया स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग ये कितना है और इसका मीटर आपको दिखा दूँ तो आप लोग मीटर देख लीजिए, 260 इस रेंज इसका है, क्लियर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा जमाट करते हैं, क्या हो गया, कैमरा साफ नहीं है। गेट खुला है, ये इसका मीटर का व्यू हो गया और ये आपका वो डिस्प्ले है। ये जैसे आप इसको आर में लगाइएगा, जैसे मैं ये रिवर्स किया, यहाँ रिवर्स करते ही कैमरा पीछे का चालू, ये आप ये पी से पार्किंग में डाल सकते हैं, आर से रिवर्स हो गया, एन से न्यूट्रल, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, डी में डालिएगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, और उसके बाद से जब डी में ही जब आप राइट साइड करिएगा तो ये गियर वाला स्टार्ट हो जाएगा। एक दो तीन, यहाँ चेंज कर दो मालूम हो जाएगा, एक दो तीन पाँच चार, तो वहाँ लिख रहा है ना एक दो तीन, तो ये आपका गियर हो जाएगा। तो अब ये हो गया, अब किसी से गेट खुला है, ये गलत हो गया। बाकी ये जो सिस्टम है आपका, ये गाड़ी प्रेशर का है, जितना आप चाहें ऊपर उठा सकते हैं इससे और जितना चाहे नीचे कर सकते हैं, मतलब लिमिट है इसका है, जैसे हाइट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल से भी अगर हाथ से बताएं तो एक बित्ता से दो बित्ता ऊपर, एक बित्ता सबसे नीचे, ये हो गया आपका वो। ये होगा इस स्पीड का रेसर का, जितना ये सुपर लिखा ना स्पोर्ट, नीचे स्पोर्ट लिखा है, सुपर क्लाउड, ये रेस के लिए रेसिंग में है, लेकिन हमेशा ये बीच में ही रखता है मीडियम ही। तो कभी जैसे डिवाइडर आता है तो इसको ऊपर कर देते हैं, डिवाइडर आएगा तो ऊपर कर दीजिएगा तो आपका आगे का जो पोजीशन है ऊपर उठ जाएगा, तो कोई भी ऊंचा सा डिवाइडर पार कर सकते हैं। ये बीच में है नॉर्मल, तो इसमें जब नीचे हो जाएगा तो नॉर्मल नीचे लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एन लिखा है बीच में, जैसे इस बटन को हम ऊपर करेंगे तो ये हाई हो जाएगा। ये 2015 के मॉडल है, अभी तो खैर पुराना हो गया है, लेकिन अभी जो 2022 का मॉडल आया है ज़बरदस्त आया है। चलिए अभी इस गाड़ी को टाइम भी बताएगा आपको, ये आपका एसी का है, ये टाइम ऊपर, ये एसी को लो टेम्परेचर कम करने भी एसी वाला, ठंडे में खूब गर्म कर लीजिए, यहाँ से ये हो गया। और बाकी इसमें कुछ खास दिखाने वाला नहीं है, ये भी 7 सीटर है लेकिन 8 आदमी बैठ सकता है। ये भी लैंड, ये लेक्सस का लैंड क्रूजर का भी वही है, सेम। ये हो गया इसका, और आप ये है आगे का पोजीशन, ये आगे का है और ये इसका बोल, इसका भी लैंड क्रूजर का भी, इसका भी दिखाया हम लैंड क्रूजर का लिखा हुआ है, आप भी देखिए दोनों गाड़ियों का अंदर बाहर क्या था क्या नहीं था आप लोगों को दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा। ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।